देखिए, इसमें कोई भी ट्रेंड को समझने के लिए डाटा एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि किस प्रकार से पेशेंट्स आ रहे हैं, क्या संख्या है, उसमें बहुत सारे उनके एड्रेसेस रहते हैं। आज अगर हम लोग दो तरीके से हम बताना चाहेंगे आपके मतलब शहरी जनता को कि जो इसको जड़ से निकालने की हम लोग प्रक्रिया चल रही है, एक तो पूरे शहर में डोर टू डोर सर्वे चल रहा है, उनको स्क्रीनिंग टीम बोली जाती है और वो उस क्षेत्र के लिए फिक्स हो गए हैं। 200 250 300 घर दिए हैं, फिक्स हो गए हैं। उसमें कहीं भी सिम्टम्स कोविड टाइप के आएंगे वो हर 7 दिन में 5 दिन में जाते रहेंगे घरों में, दोबारा जाएंगे, उसकी रेगुलर हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं और ये हम लोग इन लोगों को लगातार 3-4 महीने तक भेजते रहेंगे। इस माध्यम से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि किसी को भी सिम्टम्स आ रहे हैं, फील्ड से ही घर से ही हम उठा के उनको अगर जरूरत पड़ती है क्वारंटाइन सेंटर ले लें, वहाँ ठीक कर दें या कोविड केयर सेंटर में ठीक कर दें। दूसरा, हम लोग एक वो ये ऐप पूरा ऐप से और कंट्रोल कमांड सेंटर से गवर्न हो रहा है जो सर्वे हो रहा है, तो कोई भी अगर फील्ड में हमारा कर्मचारी जा रहा है तो ऐप में एंट्री कर रहा है। बैक एंड पे हमारी स्ट्रॉन्ग टीम बैठी है, 15-18 स्क्रीन्स लगे हुए हैं और उससे पूरी कंट्रोलिंग हो रही है। दूसरा, जो कल से शुरू किया है हम लोगों ने कि अब कोई भविष्य में कोई भी पॉजिटिव पेशेंट आता है तो उसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की एक प्रक्रिया है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिफाइन की हुई है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पहले भी चल रही थी, पहले जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग टीम एसडीएम के साथ लगी हुई है वो मैनुअल फॉर्म्स भरते थे, वो लोग फॉर्म 1234 ऐसा रहता है, 22A रहता है, वो मैनुअली भर के देते थे। मैनुअली भर के देने में एनालिसिस नहीं हो पाती है क्योंकि जब यहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा है उसमें फिर संख्या अगर कोविड पेशेंट की संख्या ज़्यादा है तो एनालिसिस दिक्कत आती है। उसको भी ऐप आधारित कर दिया है, जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस है, जो भी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करनी है हम लोगों को, पॉजिटिव पेशेंट आता है तो उसके 2 दिन पहले का और बाद का कहाँ का मूवमेंट हुआ है, जैसे सिम्टम्स आए थे उसको, उसकी पूरी ऑनलाइन हम लोग कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करेंगे इन दो माध्यम से। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग से फ़ायदा ये होता है कि जो कोविड पॉजिटिव आया है उस वो जिस जिस से मिला है उसकी पूरी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होती है। उसमें हाई रिस्क पेशेंट रहते हैं, हाई रिस्क लोग रहते हैं और लो रिस्क रहते हैं। हाई रिस्क का तात्पर्य यह है कि अगर कोई कोविड पॉजिटिव पेशेंट आया है और काफ़ी प्रॉक्सिमिटी में वो साथ में बैठ के घूम रहे थे स्कूटर पे या कहीं साथ साथ बैठ करके उन्होंने खाना खाया है, एक कमरे में रहे हैं 5-6 घंटे तक, भोजन किया है, बैठे हैं, गप लगाई है, जैसे क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है तो वो भी हाई रिस्क कैटेगरी में आ जाते हैं। तो हाई रिस्क को हम लोग 28 दिन मॉनिटरिंग में करेंगे, वो भी ऐप के माध्यम से होगी। ये बारीकी से करने से हम लोग ग्राउंड लेवल से ही खुद ही हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हाँ ये हाई रिस्क पेशेंट्स हैं हमारे या हाई रिस्क लोग हैं, ये पॉजिटिव के कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है पूरी, इनको लक्षण आ रहे हैं इसके आईली या सारी के कोविड टाइप के, तो इनको हम पहले से उठा के ट्रीट कर सकेंगे हम लोग। इन दो माध्यम से हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि शुरू में ही ऐसा नहीं हो कि लोग घरों में रहें, तकलीफ बढ़ती रहे, उनको सांस की तकलीफ आने लग जाए उनको फाइनली, और फिर उसके बाद हम लोग अस्पताल लेके आए तो तकलीफ हो, उस तब तक वो फैल भी जाता है परिवार के मेंबर्स में, परिवार अगल बगल मिल रहा है, फैलता भी है। तो दो माध्यम से हम लोग प्लान कर रहे हैं कि पूरी सख्ती से इसको जो है हम लोग कंट्रोल कर सकें कोरोना के लिए। इसके लिए डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने क्वेश्चन पूछा था उसका जवाब दे रहा हूँ मैं। इसके लिए डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो येलो अस्पतालों में जो पेशेंट्स आ रहे हैं MRTB में, MYH में, OPDs में, जहाँ सैम्पलिंग हो रही है, ये डाटा पूरा एक रखना पोर्टल बना हुआ है इसका, उस डाटा के पोर्टल को ठीक से भरें ये लोग, क्योंकि बहुत सारे उसमें फील्ड्स रहते हैं। उसके लिए सारे डॉक्टर्स को आज बुलाया था, जिनकी हमने करीबन 1-1.5 घंटे अभी मीटिंग ली है, पूरा ब्रीफिंग हुई है, ट्रेनिंग हुई है, ताकि डाटा आएगा तो इससे हम लोग जो काम कर रहे हैं फील्ड पे, चाहे सर्वे की टीम्स कर रही हैं, चाहे हम लोग कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप के माध्यम से कर रहे हैं, जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप के माध्यम से हो रही है, कल से शुरू हुई, उसका एक अलग सेंट्रल कंट्रोल कमांड सेंटर है, पीछे करीबन 35-40 कम्युनिटी मेडिसिन डॉक्टर्स उसको कंट्रोल कर रहे हैं पूरा, वो भी मेडिकल कॉलेज के हैं, इंडेक्स कॉलेज के हैं, अरविंदो से ले रहे हैं डॉक्टर्स उसमें, तो स्ट्रॉन्ग टीम बैठ के मैनेज करेगी कि कहाँ कहाँ कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग सब फ़ोन नंबर से भी होगी पूरी वो। तो ये सब चीज़ें हम लोगों के रिजल्ट क्या दे रही हैं फील्ड के एक्शन से और सर्वे से, हमारा ये डाटा जो हमारा कैप्चर होता है फोटोज में उससे ट्रेंड आता है।